ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, एक छोटी सी कविता है वो सुना दूं। इसका नाम है यूपी का लाल। कौन है यूपी का लाल? बहुत अच्छा। अब मैं जब पंक्ति पढ़ूंगी इसके बाद आप लोग यूपी का लाल बोलेंगे, बोलेंगे? जो यूपी में लाया विकास की बौछार वो कौन है? जिसने हर यूपी की बेटी को बनाया, अपने आप को बनाया उनका ढाल, वो कौन है? जिसने जात धर्म भूल के पूरे यूपी को समझा एक परिवार, वो कौन है? जो यूपी की गद्दी में जो यूपी की गद्दी में नहीं फिर भी यूपी वालों के दिल में बसा था 5 साल, वो कौन है? और गद्दी जाने पर भी यूपी की सेवा करने से कभी ना करा इनकार, वो कौन है? जो हर नौजवान को नौकरी देने पर तुला है, यूपी के हित में रहे, हर कर्म से जुड़ा है, वो कौन है? मैं माताओं से सुनना चाहती हूं कि यूपी का लाल कौन है? माताएं आप बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है, अगर आप बोलेंगी तो आपके बच्चे भी बोलेंगे। अपना भला समझिए, जिसको किसानों ने दिलवाया उनका हक, जिसने किसानों को दिलवाया उनका हक, हर गांव यहां पहुंचना, बनाया पक्की सड़क, जिसके यूपी मिट्टी का, जिसने यूपी को मिट्टी का, यूपी के मिट्टी को अपनी मां समझकर रखा ख्याल, वो कौन है? फिर एक बार कमल जो ना कर पाया कमाल, करेगा यूपी का लाल, वो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 27 तारीख को है? नहीं नहीं, मुझे गाना वाना नहीं। अब भैया ये गाना तो मुझे नहीं आता है, ये तो यूपी के छोरों को ही आता है। मैं पैदा हुई मध्य प्रदेश में बंगाली परिवार में, मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई, ये मेरा ससुराल। मेरा जिंदाबाद नहीं, इनका जिंदाबाद है। हमारे यहां मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरे बेटे की सारी शादी साउथ इंडियन से हुई। तो हमारे परिवार में कभी जात पात, देश प्रदेश कुछ नहीं है। मगर जैसा आप लोग जानते हैं, गंगा किनारे छोरा जो है वो हमेशा गंगा का ही रहेगा, वो मुंबई के समुद्र का नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गंगा किनारे की छोरी को जिताइए बहुमत से।